खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। और खबर P20 सम्मेलन से जुड़ी हुई है। आज से आगाज P20 सम्मेलन का हो रहा है और खास बात ये रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली में 9वां ये P20 सम्मेलन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करने वाले हैं। G20 देशों के संसद के अध्यक्ष इसमें खुद हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। विकास, महिलाएं और ऊर्जा समेत कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर खास तौर पर इस P20 सम्मेलन में चर्चा होनी है। आज से P20 सम्मेलन का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें P20 सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन में खास बातें करेंगे। इसमें महिलाओं की बातें होंगी, इसमें ऊर्जा समेत विकास पर भी खास तौर पर फोकस रहने वाला है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन। इस वक्त ओम बिरला कुछ बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन P20 में विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में हाल में हुए G20 लीडर समिट में नई दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुत लोकतंत्र हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है। एक्सेलेंसी, विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसद है। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। एक्सेलेंसी, पर्यावरण के विषय पर ठोस, निर्णायक वैश्विक कार्य योजना आज समय की मांग है। भारत के माननीय